नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर और माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय सिवनीमालवा में नेशनल लोक अदालत 9 दिसंबर 2023 का सफल आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश वंदना सिंह, सिविल जज जूनियर डिवीजन शिवांगी दुग्गल, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आर के शर्मा, थाना प्रभारी सिवनीमालवा सज्जन मुकाती एवं थाना प्रभारी शिवपुर विवेक यादव, अधिवक्ता संघ के सचिव आदित्य ठाकुर, अधिवक्तागण, बैंकों व नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारीगण और पक्षकारगण की उपस्थिति में किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से क्रिमिनल कंपाउंडेबल 17 प्रकरण तथा चेक बाउंस के 10 प्रकरण में राजीनामा होकर कुल 19,95,000 रुपए की राशि का आदान प्रदान हुआ एवं 4 तथा 2 सिविल प्रकरण निराकरण का वैवाहिक प्रकरण भी निराकृत 1,10,000 रुपए वसूली की गई। से ये अनुरोध करूंगा कि मानवीय आधारों के आधार पर समझते हुए आपसी तुच्छ विवादों को हल करने के लिए आपस में समझौता करें, अपना परिवार बचाएं, अपनी संपत्ति बचाएं, अपना धन बचाएं और अपना मान सम्मान बचाएं, ताकि न्याय करने में सहूलियत हो सके और उन मामलों को सुना जा सके जो वास्तव में सुने जाने योग्य हैं। इसी प्रकार बैंक से लिए गए ऋणों के संबंध में भी बैंकों द्वारा सीमा तक भी छूट दी जाती है, उसका लाभ उठाएं और अपना जो ऋण लिया है उस ऋण का भुगतान करें। सामान्य प्रकरण जो न्यायालय में चलते हैं और लोक अदालत में चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कितना हितग्राही को फायदा होता है इसमें? जितने मामले भी हल होते हैं उन मामलों के हल होने से पक्षकारों का भावी व्यय तो बचता ही है। यहाँ से जो जैसे दीवानी मामले हैं, तो यदि कोई आपने स्टाम्प ड्यूटी दी है तो वो स्टाम्प ड्यूटी वापस हो जाती है, उनका वो आगे का सारा खर्च बच जाता है जो अधिवक्ताओं के ऊपर होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लिटिगेशन अंतिम हो जाता है, अब इसके विरुद्ध ना आप ऊपर जाएंगे कोई अपील करेंगे ना कोई अन्य कार्रवाई होगी। इस दृष्टि से लोक अदालत बहुत हितकारी है समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और स्वयं न्याय के लिए। आज यहाँ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिसमें सिविल के प्रकरण, एनआईएक्ट के प्रकरण और भी कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, तो राजीनामा योग्य है, उनको लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाएगा और अच्छे रिजल्ट आने के। मतलब समाज में एक बात बार बार आ रही है कि जो आप साल भर में 4 लोक अदालत लगाते हैं, अगर इसको कम कर दिया जाए, 2 कर दी जाए, तो उसकी महत्वता भी बढ़ जाएगी और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आ जाएगी, क्या मानती हैं आप इसमें? अवेयरनेस तो बढ़ेगी जब हम ज़्यादा प्रयास करेंगे, प्रयास कम करने से कैसे बढ़ेगा? तो पहले तो 6 होती थी, अभी 4 हो रही हैं, लेकिन बहुत क्योंकि रिस्पॉन्सल बहुत हो रही है लोक अदालत में, तो ये मुझे तो लगता है कि ज़्यादा प्रयास करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी। सिवनीमालवा से अंकर्षप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज से।